तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सनी रिफाइंड नॉलेज से, और आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। आज हम बात करने वाले हैं अपने भारत के एक ऐसे शहर के बारे में कि जहां मिनरल्स की तादाद तो बहुत है, लेकिन वहां पे इन मिनरल्स का ना सही तरीके से यूज वहां के ही लोग नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज्यादा भंडार है मिनरल्स का, खनिज संसाधनों का, जिनके बारे में शायद ही ज्यादा लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की, जो कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। तो उसे उठाना पड़ा ऐसा कदम, क्या थी ऐसी वजह, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये नॉलेज अपने जान पहचान वालों को भी शेयर करें और हाँ, लाइक जरूर करें। झारखंड भारत का सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य है। दरअसल झारखंड मतलब झाड़ी या जंगल, और खंड मतलब भूमि, मतलब जंगल की भूमि। इस राज्य में खनिज संसाधनों की बहुतायत है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिनरल्स पाए जाते हैं। लगभग 40% के आसपास खनिज संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कोयला, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, काइनाइट, चाइना क्ले, ग्रेफाइट, सिलिका, अग्नि मिट्टी वगैरह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की 39.1% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यही नहीं, लगभग 19.16% 5 साल से छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार भी हैं। हाँ, झारखंड का लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा है, यहाँ लगभग 53.26% लोग पढ़े लिखे हैं। बाकी ये सब फिगर कुछ ऊपर नीचे होते ज्यादा फर्क नहीं आएगा। भारत में लगभग 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। झारखंड का क्षेत्रफल लगभग 69,714 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं वहाँ के जंगल की बात करें तो लगभग 23,616 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं, जो कि पूरे झारखंड का लगभग 29.62% है। और अगर प्राइवेट स्थानों में लगे पेड़ पौधों को जोड़ दे तो यही एरिया लगभग 33% हो जाता है। मतलब सोचिए कि झारखंड में जंगल तो है ही, साथ में वहाँ के लोगों ने अपने प्राइवेट एरियाज में भी प्राइवेट जंगल बनाए हुए हैं। वहीं अगर ये बात की जाए कि वहाँ की वन वृद्धि रेट क्या है, कि वन मतलब जो जंगल है वो कितनी रेट से बढ़ रहे हैं, तो ये लगभग 0.25% की रेट से बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे लिए विडंबना की बात और है कि जंगल बढ़ तो रहे हैं पर उससे डबल तेजी से वनों का कटाव भी हो रहा है। ये राज्य अपना बॉर्डर उत्तर में बिहार से, दक्षिण में ओडिशा से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। यहाँ का लिंगानुपात 949 फीमेल्स प्रति 1000 मेल्स है। एक स्क्वायर किलोमीटर में जनसंख्या का घनत्व लगभग 414 है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 414 लोग रहते हैं। झारखंड पर्यटन के मामले में बड़े बड़े शहरों को भी टक्कर देता है, क्योंकि देवघर, बैद्यनाथ मंदिर, पतरातु डैम, पतरातु, हुंडरू वाटरफॉल्स, दलमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, श्री समेत शिखरजी जैन तीर्थस्थल, जोनहा, गौतम धारा, छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा, पंचघाग वाटरफॉल, दशम वाटरफॉल्स, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य जैसी बहुत मशहूर जगह है। सिर्फ यही नहीं, अगर विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो उसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। रांची विश्वविद्यालय, सिंधु कानू यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलाहन विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, और इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इंडस्ट्री में भी झारखंड बहुत आगे है। वहाँ इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेकन लिमिटेड, सेल इंडिया की बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनीज हैं। रांची झारखंड की राजधानी है और ये बहुत प्रसिद्ध शहर है। रांची को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए 100 भारतीय शहरों में से चुना गया है। क्या आप जानते हैं झारखंड को भारत का रूहर भी कहा जाता है? रूहर एक खनिज प्रदेश है जो कि यूरोप के जर्मनी में स्थित है। ये भी खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है। यहाँ कोयला जमीन में 600 से 800 मीटर नीचे और लगभग 3 से 10 फीट मोटी परत के रूप में मौजूद है। अब हम बात करते हैं झारखंड के इतिहास के बारे में। झारखंड के बारे में वायु पुराण में भी बताया गया है। इसे वायु पुराण में मुरंड के नाम से बताया गया है, और विष्णु पुराण में इसे मुंड के नाम से बताया गया। महाभारत काल में छोटा नागपुर को पुंडरीक के नाम से जाना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में चीनी यात्री फाहयान के 399 ईसा में भारत आने का वर्णन भी मिलता है। फाहयान ने अपनी बुक अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स में छोटा नागपुर को कुकुटलाड कहा, जो कि आज का झारखंड है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश भी कहा गया। यही नहीं, झारखंड के बारे में चीनी यात्री युवान चौंग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ और ईरानी धर्म आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी बताया। झारखंड का इतिहास लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन जयसिंह मुंडा ने 1939 में प्रेजेंट बिहार राज्य के दक्षिणी जिलों मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार किया था। हालांकि ये सपना उनका 2 अक्टूबर सन 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा होने का बिल पास हुआ। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इतिहासकारों का कहना है कि इस एरिया को मगध साम्राज्य से पहले भी एक महानिकाय के रूप में चिन्हित किया जाता है।
क्योंकि इस एरिया की भू संरचना और सांस्कृतिक पहचान बिल्कुल अलग थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नेचुरल प्लेस माना जाता है। इन्हें भारतीय संविधान में ST कैटेगरी में मतलब शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है। इनमें खड़िया, संताल, मुंडा, हो, उरांव, असुर, बिराजिया, पहाड़िया आदि जातियां मेनली हैं। इन लोगों ने झारखंड के जंगलों को साफ किया, वहां पर खेती की और इंसान के रहने लायक बनाया। इस बात का श्रेय इन्हें दिया जाता है। वाकई में ये आसान बात नहीं है कि किसी निर्जन जगह को इंसान के रहने लायक बनाना। मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने संभाल रखी थी। गांव के आदिवासियों में जिम्मेदार व्यक्ति को चुनकर गांव का मुखिया बनाया जाता था, जिसे मुंडा भी कहा जाता था। गांव में कुरियर यानी संदेशवाहक को डकुआ कहा जाता था। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। 1765 के बाद ये एरिया भी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम हो गया था। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में यहाँ के आदिवासियों पर बहुत अत्याचार किए गए, जिसके बाद परेशान होकर यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत कर दी। मतलब अब एक चीज ये सोच के देखिए कि जो आदिवासी थे उनके अंदर भी कितना साहस था, कितनी हिम्मत थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने लगे। आपको कुछ ऐसे विद्रोह बताना चाहता हूँ जो काफी ज्यादा मेन थे उसके अंदर, जैसे पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780, मांझी विद्रोह 1780 से 1785, इसके दौरान तिलका मांझी उर्फ जबरा मांझी ने इसका नेतृत्व किया। तमाड़ विद्रोह 1795 से 1800 में दुखान मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह भी 1795 से 1800 तक चला, जिसका नेतृत्व विष्णु मानकी ने किया था। फिर 1800 से 1802 में मुंडा विद्रोह दुखन मानकी ने चलाया। बाद में 1819 से 1820 में मुंडा विद्रोह फिर से चलाया गया, इसका नेतृत्व पलामू के भूकन सिंह ने किया। ऐसे ही कई और विद्रोह भी किए गए, जैसे खेवर, भूमिज, संथालों का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, खेरवार, खड़िया और सबसे महत्व मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, जिसे बिरसा मुंडा ने चलाया था। बिरसा मुंडा नाम से झारखंड में एयरपोर्ट भी है। इनका जन्म झारखंड के उलिहातू नामक स्थान। बिरसा मुंडा ने झारखंड के उलगुलान नामक महान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी वजह से मुंडा जनजाति के लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। 1914 में ताना भगत ने एक विद्रोह और चलाया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश एम्पायर की कमर तोड़ कर रख दी। इस विद्रोह में ताना भगत के साथ 26,000 आदिवासी शामिल थे। इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बारे में हम सब लोग प्राथमिक स्कूल की किताबों में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि 1857 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ हम भारतीयों ने विद्रोह की शुरुआत की, पर सच बात तो ये है इससे पहले लगभग 100 साल पहले ही विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। प्रेजेंट झारखंड को 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में बिहार से अलग किया गया, जो कि बिरसा मुंडा की जन्मतिथि थी। झारखंड में नक्सलवाद का भी काफी बोलबाला है। दरअसल नक्सलवाद ने भारत सरकार की नाक में दम कर रखा है। नक्सलवाद को लेकर भारत में दो ग्रुप बने हुए हैं। एक का कहना है कि नक्सलवादी एक आतंकवादी है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि नक्सलवादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों तरफ से सताए हुए लोग हैं, जिनका दमन शोषण किया गया, इसीलिए इन्होंने हथियार उठाकर नक्सली बनना चुना। हम इन दोनों के पक्षों में से किसी का सपोर्ट नहीं करते। नक्सलियों का कहना है कि हाँ, अब हमने उठा ली है तुम्हारे खिलाफ बंदूक, तुम जो समझते हो तमंचों की भाषा। मेरे व्यूअर मुझसे कहेंगे तो मैं नक्सलवाद पर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा। अब मैं झारखंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जो शायद आप लोगों को पता हो। तो झारखंड में जो सबसे ऊंचा पहाड़ मौजूद है उसकी ऊंचाई है लगभग 1366 मीटर। झारखंड का राज्य पक्षी कोयल है, पशु हाथी है, वृक्ष साल है और पुष्प पलाश है। महान आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की स्मृति में भारत सरकार ने 15 नवंबर 1988 को एक डाक टिकट भी जारी किया था। राज्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां दामोदर, मयूराक्षी, बराकर आदि हैं। आधे से ज्यादा झारखंड छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है। झारखंड की राजधानी रांची है और उसकी उपराजधानी दुमका है। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यहां टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड आदि कंपनीज मौजूद है। यह राज्य आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें 28% लोग आदिवासी हैं और 12% लोग अनुसूचित जाति के हैं। इस राज्य में 68.6% हिंदू हैं, 14.5% मुस्लिम हैं, 4.5% क्रिश्चियन हैं, 0.22% सिख हैं, 0.03% बुद्धिस्ट हैं, 0.05% जैन हैं और 12.84% अदर रिलीजन वाले लोग रहते हैं। मुख्य त्योहारों में करम, वट सावित्री, तीज और छठ पूजा शामिल है। देवघर झारखंड का सबसे प्राचीन शहर है, जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बैद्यनाथ धाम जो 12 प्रसिद्ध शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देवघर में नौलखा मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे इसका नाम रानी चारुशिला द्वारा दिए गए 9 लाख रुपए दान की वजह से मिला था। रांची का जगन्नाथ मंदिर 1691 में बरकागढ़ के जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर
अनी सिंह शाहदेव द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के जैसी है। झारखंड के लोक नृत्य पाइका, चौ, जदुर, कर्मा, नचीनी, नटुआ आदि हैं। महेंद्र सिंह धोनी, मीनाक्षी शेषाद्री, प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता जैसे दिग्गज भी झारखंड से ही हैं। 1949 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के गठन के बाद अलग झारखंड राज्य की मांग और आंदोलन जोर पकड़ते गए। 1972 में जब संथाल नेता शिबू सोरेन ने अलग झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया तो अलग आदिवासी राज्य की मांग का आंदोलन और तेज हो गया और इसका रिजल्ट हमारे सामने है 15 नवंबर 2000 का वो ऐतिहासिक दिन। झारखंड नक्सली उग्रवाद का शिकार राज्य भी रहा है। 1967 से अभी तक यहाँ नक्सलियों का हस्तक्षेप है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स झारखंड के बारे में। इस तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हम इन्फॉर्मेशन आपके पास रिफाइन करके लेके आते हैं, उस नॉलेज को आप दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा कर रखने से कम होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम लोगों को आपके फीडबैक मिलते रहे। तब तक तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या बोलता हूँ मैं लास्ट में? अबे साले, अरे कहना क्या चाहते हो? बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।